Assalamualaikum my dear friends, welcome back to my YouTube channel Sarah Loves Cooking and Baking. I hope आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज्यादा मजेदार और यम्मी होने लगी है, बिकॉज मेरी मम्मा बनाने लगी हैं अरबी के पत्तों के पकोड़े, और बहुत ही मजे की यूनिक रेसिपी है। आप लोग क्लास में ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक क्लास में दीजिएगा। और ये जो है इसमें स्पाइसेस डालने लगे हैं। बेसन हमने जो है वो 1 किलो लिया है, और अब इसमें हम सारी स्पाइसेस ऐड करेंगे। आप लोग इसमें स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। हमने जो है वो ज्यादा स्पाइसेस ऐड किए, बिकॉज ये बहुत ज्यादा मजे के जो है वो यम्मी से हो जाते हैं स्पाइसी से। आप लोग जो है वो कम भी स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। ये जो अरबी के पत्ते होते हैं, सबका अलग अलग जो है वो स्टाइल होता है बनाने का। कुछ लोग जो है वो इन्हें काट के जैसे पालक वगैरह बनाते हैं वैसे बना लेते हैं, कुछ लोग किसी और तरीके से बनाते हैं। तो मेरी मम्मा जो है वो इनके पकौड़े बना लेती है, और मजेदार से यम्मी से स्पाइसी से हम लोग वो खाते हैं, और बहुत ज्यादा मजे के बनते हैं, उसका बहुत ही मजे का टेस्ट हो। अब जो है इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका जो है वो पेस्ट बना लेंगे, पर पेस्ट बहुत ज्यादा थिक भी ना हो और बहुत ज्यादा नरम भी ना हो कि भाई उनपे लगे ना, और इतना थिक भी ना हो कि उनपे बिल्कुल ऐसे लग जाए। हमने पूरा उसके ऊपर जो है वो अरबी के पत्तों के ऊपर जो है वो पूरा इसका पेस्ट लगाना है अच्छे तरीके से। उससे पहले हमने अरबी के पत्तों को अच्छे से वॉश कर लेना है, एंड देन उनको जो है वो थोड़ी देर रखना है ताकि वो ड्राई वगैरह हो जाए, और फिर उसके बाद हमने ये मिक्सचर उसके ऊपर अप्लाई करना है। तो अब जी है वो मिक्सचर जो है वो इसके ऊपर हम लगाएंगे। जैसे हम दुल्हनों को मेहंदी नहीं लगाते, उनके फेस पे जो है वो उपटन लगाते हैं, वैसे आराम आराम से हमने जो है इन पत्तों के ऊपर जो है वो सारा मिक्सचर लगाना है। जैसे आप लोग मेहंदी में आए हैं और दुल्हन के फेस पे जो है वो उपटन लगा रहे हैं, वैसे आराम आराम से लगाना है। तो इसी तरह आप लोग ने जो है वो इसके ऊपर सारा पेस्ट अप्लाई कर लेना है, एंड इसके ऊपर हम लोग एक और लीव रखेंगे, एंड फिर इसके बाद हमने सेम ही प्रोसेस जो है वो करना है। जिस तरह दुल्हन पे जो है वो उपटन लगाई जाती है, इसको वैसे हम पत्तों के ऊपर लगाएंगे, और फिर उसके बाद इसके ऊपर एक और लीव रखना है। इसी तरह हमने 3 to 4 लीव्स रख के तो हमने जो है इसका रोल बनाना है, इसलिए हमने 3 to 4 लीव्स हम रख लेंगे ताकि इसका अच्छा सा जो है वो रोल बन जाए। और इसी तरह हमने इसका रोल बनाते जाना है, और साथ साथ हमने जो इसका जो है पेस्ट बनाया है ये इसके ऊपर अप्लाई करते जाना है, और फिर इसको रोल करते जाना है। इस तरह सारों में जो हम लोग रोल करेंगे सारा अच्छे तरीके से जो है वो हमारा मसाला लग जाएगा इसके साथ, क्योंकि जब तक पत्तों पे अच्छे तरीके से जो है वो मसाला नहीं लगेगा तो फिर इसका वैसे टेस्ट नहीं आएगा बिल्कुल, फिर फीके फीके लगेंगे। इसलिए आप लोगों ने अच्छे से इस पे जो है वो सारा मसाला जो है वो लगाना है। और ये देखे मेरी मम्मा जो है वो अच्छे से सारा मसाला जो इस पे लगाई जा रही है, और साथ साथ इसको रोल करी जा रही है, और अच्छे से आप लोगों ने रोल करना है ताकि आपका जो है इसका रोल ओपन ना हो। वैसे जो मम्मा ने रोल बनाया था ये पकौड़ों का, ये खुला तो नहीं था। अगर आपका जो है वो रोल बार बार खुल रहा है तो आप टूथपिक की मदद से उसको जो है वो ऊपर से अटैच टूथपिक अप लगा दें ताकि आपका रोल जो है वो खुले ना, और इसी तरह जो है वैसे ओपन तो नहीं होता। अगर फिर भी आप लोग का रोल ओपन है तो आप टूथपिक की मदद ले सकते हैं, वो आप ऊपर अटैच कर दें, और जब आपका जो है वो स्टीम हो जाए उसके बाद आप उसको उतार सकते हैं। सेम प्रोसेस आप लोगों ने दोबारा जो है वो अप्लाई करना है, एंड देन फटाफट से मैं आपको दिखा रही हूँ, और सेम प्रोसेस आपने करना है। और इसी तरह सब आपने जो है वो अरबी के पत्तों को रोल करना है इसी तरीके से, और साथ साथ में जो है वो इसके ऊपर ये पेस्ट लगाते रहना है। और फिर अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाते हैं। और जी नेक्स्ट प्रोसेस हमारा ये है कि हमने पत्तों को जो है वो स्टीम करना है। हमने चूल्हे पे एक देचकी रखी है, उसमें थोड़ा सा पानी रख दिया, और अब हम इसमें जो है वो स्टीमर रख देंगे इसके अंदर, और फिर उसके बाद हमने इसको ढक्कन दे देना है 5 मिनट तक, जो है वो पानी जो है वो बॉइल हो जाएगा, सही से भाप हो जाएगी, और फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस करें। नेक्स्ट प्रोसेस हमने छन्नी में अच्छे से जो है वो ऑयल को ब्रश कर देना है, और हमने जो ये पत्तों का जो ये रोल से बनाया था इसको हमने इसमें रख देना है ताकि चिपके ना, इसलिए हमने ऑयल ब्रश कर दिया, और फिर हम इसको इसके बीच में रख देंगे, और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। 5-10 मिनट में हमारे जो है वो ये पत्ते अच्छे से स्टीम हो जाएंगे, और फिर हम उसको उठाएंगे ढक्कन को, और फिर उसके बाद हम इन पत्तों को जो है वो शफल करेंगे, टर्न करेंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से हो जाए, और बहुत ही ध्यान से इनको जो है वो शफल करना है ताकि ये टूटे ना, बिकॉज ये बहुत ज्यादा नरम हुए हुए होंगे, स्टीम हुए हुए होंगे तो ये टूट भी सकते हैं। तो इसलिए अच्छे से हमने जो है वो इनको जो है वो पलट देना है, और दूसरी साइड से भी 5 मिनट हमने लगाने हैं, और 10 मिनट में तकरीबन हमारे पूरे स्टीम हो जाएंगे। और ये देखिए हम दोबारा चेक करने आए तो देखिए इनका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, ये अच्छे से
स्टीम हो चुके हैं, अब हम इनको पलटेंगे और फिर इनको हम लोग जो है वो एक प्लेट में रख देंगे ताकि ये अच्छे से जो है वो ठंडे हो जाएं। अच्छे से इनको ठंडा करना है और तब तक हम लोग दोबारा जो है वही सेम प्रोसेस करेंगे, दोबारा जो है वो अगले पत्तों को जो है वो स्टीम करेंगे और इन लोगों को, इन पत्तों को जो है वो हम अच्छे से ठंडा कर देंगे, अच्छे से ठंडे हो जाएं। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे और फिर उसके बाद हमने जो है वो इसकी प्यारी प्यारी सी कटिंग करनी है और देखिए कितने मजे से ये लोग ये जो है वो कट हो रहे हैं और बहुत प्यारा जो है वो इनकी शेप बन जाएगी। जैसे ही आप रोल करेंगे, देखिए रोल आपने किए थे तो कितनी अच्छी इसकी शेप बन गई है और अब हम इसको यूं ही प्यारा प्यारा से कट करेंगे और साथ साथ हम इसको जो है वो प्लेट में रखते रहेंगे। आप लोग जो है वो इनको स्टोर भी कर सकते हैं, टाइट से कोई कंटेनर में रख के इनको जो है फ्रिज में रख दें और जब आपको जो है इनको खाना हो आप इनको तभी फ्राई करें और फिर उसका मजा लें। जब खाने हो तब आप फ्राई करें, वैसे ये पड़े रहें तो ये ख़राब नहीं होंगे, आप फ्रिज में इनको रख दें। और अब देखिए हम इसको इनको जो है वो हल्के से ऑयल में फ्राई करेंगे। हल्का सा जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब हम इनको टर्न कर लेंगे एंड देन दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही करेंगे और ये अच्छे से जब फ्राई हो जाएंगे तो बहुत ही मज़े का इनका टेस्ट होगा। आप मुझे लाजमी वीडियो का फीडबैक दीजिएगा, आपको कैसी लगी। ऐसी मैं नई नई रेसिपीज़ आप लोग के लेके आती रहूँगी, आप लोगों ने इसका एक एक स्टेप फॉलो करना है एंड देन आपको तभी ये मज़ेदार से यम्मी से पकौड़े बनेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।